आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें आज 80 से अधिक जो है वो विषयों पर जो है वो चर्चा और निर्णय हुआ। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए खुशी की खबर है, हिमाचल प्रदेश सचिवालय में 100 पद लिपिक के भरे जाएंगे, इसे मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा आगे आने वाले समय में जो एंटिसिपेटेड रिटायरमेंट्स हैं, जिसके कारण रिक्त खाली जो है वो पद रिक्त हो जाएंगे, 50 और पद जो हैं वो भरने को मंजूरी दी है। इसका अर्थ है कि टोटल 150 पद लिपिक के जो हैं वो भरे जाएंगे। पिछली बार जो है JOA के लिए किया था, लेकिन अब ये JOA के स्थान पर क्लर्क जो हैं वो लिपिक जो है वो भरे जाएंगे, जिनकी एग्जिस्टिंग RNP रूल्स के मुताबिक जो है वो भर्ती होगी। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्णय में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम दृष्टि पत्र में भी जो हमारी कमिटमेंट है, उसी के अनुरूप अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ और नाइन्थ क्लासेस को जो है वो स्कूल बैग्स जो है वो वितरित किए जाएंगे, जिसका ई टेंडर के द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन द्वारा जो है वो टेंडर अवार्ड किया गया है, जिसमें L1 बिडर जो है वो मेसर्स हाई स्पिरिट कॉमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। इस पर 9 करोड़ रुपया जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का खर्च होगा और लगभग 3 लाख विद्यार्थी जो है इससे लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अनाउंस कर रखा था, परंपरागत बीज सुरक्षा एवं संवर्धन योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत जो है वो प्रदेश में अपने जो परंपरागत जो हैं वो अनाज हैं उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए और प्रोडक्शन में उसकी में जो है वो बढ़ोतरी हो, इसके लिए जो है ये अच्छे बीज के जो है वो संवर्धन करने की और उसकी सुरक्षा की जो एक योजना तैयार की है, उस योजना को लागू किया गया है, ताकि जो कृषकों की आय दुगनी करने की बात जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है वो अपने बजट भाषण में की है, उसके अनुरूप जो है उसका लाभ मिल सके। इसके अलावा जो है वो COVID-19 की स्थिति को देख करके जो टोल यूनिट्स हैं उसमें जो है वो 2021 के लिए जो है वो उनकी जो फीस है उसमें कंसेशन दी गई है, क्योंकि बहुत लोगों ने जो है वो ओरिजिनल जो टोल फीस थी उसी पर जो है वो अगली बिडिंग की थी या उसी के आधार पर उसको दे दिया गया था, लेकिन सारी असेसमेंट करने के बाद और गाड़ियों की आवाजाही का नंबर जो है वो उसको जानने के बाद जो है उसमें उनको कंसेशन जो है वो प्रदान की है, तो वो June 2020 से लेकर के सितंबर 2020 तक के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो एक एक्साइज डिपार्टमेंट में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं,
जो सारी जो है वो वैट इत्यादि की जो है वो सर्विसेज देती हैं उसको जो है वो 1 मई 2021 से 30 अप्रैल 2022 तक के लिए जो है वो उनकी समय बढ़ा दिया है, जिस पे टोटल खर्चा जो है वो 6.18 करोड़ होगा। और एक्साइज डिपार्टमेंट को जो है कहा गया है कि वो इसको भविष्य में जो है वो मैकेनिज्म जो है वो तैयार करे ताकि ये सारी जो टाटा कंसल्टेंसी है उसकी सर्विसेज जो है टेक ओवर की जा सके। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग द्वारा मंडी में सरदार वल्लभ भाई पटेल हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो खोलने के जो बिल है उसको अपनी मंजूरी प्रदान की है ताकि मंडी में जो है वो प्रदेश विश्वविद्यालय जो है वो खोला जा सके। कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसे इसी विधानसभा में जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा और पारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सारी एनवायरमेंटल स्थिति को देख करके और केंद्रीय सरकार का भी जो है वो एनवायरमेंट के प्रति जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो एम्फेसिस है और पर्टिकुलरली जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं खास करके ग्रीन गैसेस एमिनेशन की दृष्टि से जो कमिटमेंट जो है वो प्रधानमंत्री ने भी की है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसको ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वो उसकी एक पॉलिसी को जो है वो मंजूरी प्रदान की है कि हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो है वो व्हीकल्स यहाँ पर चले, उसको जो है वो किस प्रकार की कंसेशंस मिलेंगी, पुरानी गाड़ियों को अगर इलेक्ट्रिक मोटर से रिप्लेस किया जाता है तो उसके भी, और नई गाड़ियां खरीदनी हैं उसकी दृष्टि से भी, और साथ ही साथ जो है वो चार्जिंग स्टेशन जो है वो क्रिएट हों उसके लिए जो है पॉलिसी बनाई है, उसको मंजूरी प्रदान की है। जैसे ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, मंत्रिमंडल ने फतेहपुर तहसील जो है कांगड़ा में उसमें रे नामक स्थान पर जो है वो सब तहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 12 पद जो हैं वो सृजित किए जाएंगे और भरे जाएंगे। फिर इसी प्रकार से जो है वो कुल्लू जिला की भूतर तहसील के अंतर्गत जो है वो जरी नामक स्थान पर जो है वो उप तहसील जो है वो बनाने को मंजूरी प्रदान की।